पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा जोरों पर है। चर्चा का कारण है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का एक पूर्व क्रिकेटर होना और भारत में उनके ढेर सारे दोस्तों की मौजूदगी। 11 अगस्त 2018 को होने वाले इस समारोह में विदेशी मेहमानों के नामों की चर्चा भी जोरों पर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को निमंत्रण भेजा जा चुका है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि तक कर दी। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने के बाद बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं। इट इज अ ग्रेट ऑनर एंड इट इज अ वंडरफुल जेस्चर। मगर सिद्धू का झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान के पीएम बनने जा रहे इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इन अफवाहों का खंडन कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में साफ इनकार किया गया है कि समारोह में किसी विदेशी एक्टर या खिलाड़ी को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में अब सिद्धू पर सवाल उठने लगे हैं कि सिद्धू ने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी मीडिया के सामने, तो क्यों बोला और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। गौरतलब है कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, जिसमें पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके मुखिया इमरान खान 11 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए नीरज वर्मा की रिपोर्ट। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।